नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं परियोजना स्थान, प्रोजेक्ट लोकेशन। टॉपिक जो है हमारे बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। परियोजना या संयंत्र स्थान से आशय, एक विशेष स्थान पर एक विशेष औद्योगिक इकाई की स्थापना करना है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि अधिकतम परिचालन मितव्ययता तथा प्रभावशीलता की दृष्टि से औद्योगिक परियोजना या संयंत्र कहाँ स्थापित करना है। यूं ही नहीं हम कहीं अपने प्रोजेक्ट को स्थापित कर देते, हमें बहुत सारी साध्यताएँ देखनी पड़ती है और उसके बाद में हम प्रोजेक्ट का स्थान निर्धारित करते हैं। परियोजना संयंत्र से आशय उस स्थान से हैं जहाँ कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए परियोजना या संयंत्र परिचालित होगा, यानी वह स्थान जहाँ से हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ से हमारा संयंत्र कार्य करना प्रारंभ करेगा। अब यह स्थान कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, यह शहर में होना चाहिए या गांव में होना चाहिए या किसी कस्बे में होना चाहिए, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसको देखकर हम परियोजना के स्थान को निर्धारित करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। परियोजना स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक। परियोजना स्थान के चुनाव का मुख्य उद्देश्य परियोजना के स्थान से प्रभावित लागतों को न्यूनतम करना है, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं वितरण की लागतें कम से कम हो, विक्रय अधिकतम हो और अंततः हमारा लाभ भी अधिकतम हो। यदि ऐसा हम संयंत्र का स्थान निर्धारित करते हैं तो हम चिरकाल तक अपने व्यवसाय को संचालित करने में सफल होते हैं। परियोजना स्थान को दो तरह के घटक प्रभावित करते हैं। पहला घटक है इसमें लागत घटक और दूसरा है गैर लागत घटक, यानी जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, और दूसरा जो हमारे कॉस्ट को तो इफेक्ट नहीं करते लेकिन हमारे संयंत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पहले हम लागत घटक के बारे में जान लेते हैं। इसमें है सबसे पहले कच्ची सामग्री की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता परियोजना स्थान निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वस्तु की उत्पादन लागत में कच्चे माल का अंश अधिक होता है। अधिकांश संस्थाएं अपनी परियोजना को वहां स्थापित करना उचित समझती है जहां विभिन्न प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में, सस्ती और निकट में उपलब्ध हो। इससे उत्पादन में नियमितता एवं परिवहन लागतों में कमी होती है। कच्ची सामग्री हमारी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे मिश्रित कच्ची सामग्री है, विशुद्ध कच्चे माल की लागत है, या स्थानीय कच्चा माल हो सकता है, या हमें यह भी प्रभावित कर सकती है कि माल जो है हमारा वो नाशवान है कि नहीं है। यदि माल हमारा नाशवान है, जैसे हमने किसी फल के ऊपर अपना संयंत्र स्थापित किया, फल हम बनाना चाहते हैं, पेय पदार्थ बनाना चाहते हैं, तो वो कितनी जल्दी हमारे नष्ट होंगे या उनकी अवधि कितनी होंगी, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जिसके अंदर हम उनका स्टोरेज कर सकते हैं और वो संरक्षित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारी कच्ची सामग्री की उपलब्धता कैसी है। अगर हमने कपड़ा उद्योग डाला है तो पास में हमारे क्या रुई की उपलब्धता है, कपास की उपलब्धता है, या कोई हमने ऐसा उद्योग डाला है जैसे हमने सीमेंट का उद्योग डाला है, तो क्या पास में वहाँ गिट्टी उद्योग वगैरह ऐसी हैं क्या जहाँ से हमें सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति आसानी से हो सके। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा है हमारा श्रम की उपलब्धता। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय घटक है और यह लागत का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अतः उस स्थान को प्राथमिकता देना लाभप्रद होता है जहां श्रम आपूर्ति सस्ती, सुलभ और पर्याप्त होती है।
परियोजना संयंत्र के स्थान का चुनाव करते समय इस बात का निश्चय किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के श्रमिक हमें आवश्यक हैं। श्रमिक क्या महिला ही होंगी या पुरुष होंगे, या श्रमिक हमारे कुशल होंगे, अर्धकुशल होंगे या अकुशल श्रमिक होंगे, कैसे श्रमिक हमें चाहिए उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, और ये श्रमिक हमारे पास में क्या पूरे समय उपलब्ध रहेंगे या इनको भी कहीं बाहर से आना पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि श्रम की उपलब्धता कैसी है। अतः इन घटकों का लाभ उठाने के लिए कुशल श्रम की पूर्ति होनी आवश्यक है। यदि हम देखते हैं कि श्रम हमारा गतिशील नहीं है, यदि हम देखते हैं कि हमारा श्रम गतिशील नहीं है, यानी दूसरी जगह से उसे आकर्षित नहीं किया जा सकता है, तब हमें प्रोजेक्ट को वहीं स्थापित करना पड़ेगा जहां पर कि श्रमिक उपलब्ध हैं और हमारी श्रम लागतें कम हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि श्रम हमें कैसा चाहिए और वो हमारे लागत का कितना बड़ा हिस्सा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें परियोजना का स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। अगला है शक्ति की सुलभता। ईंधन या शक्ति, हम जिसे कहेंगे, बिजली हमारी है, गैस है, तेल है, इनकी माध्यम से हम हमारे संयंत्रों को चलाएंगे, तो हमें ये कितने उपलब्ध हो रहे हैं इनको भी हमें देखना पड़ेगा। परियोजना स्थान के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में वांछित शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह शक्ति की उपलब्धता किसी परियोजना के स्थान निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः जहां शक्ति का स्रोत मितवई और पर्याप्त मात्रा में हो, वहां हम अपने संयंत्र को लगाने में इच्छा ज़्यादा रखते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो शक्ति के रूप में विद्युत बहुत ज़्यादा उद्योग को प्रभावित करती है, अतः हम स्थान वही उपयुक्त मानेंगे जहां हमें पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति मिलती रहे और वह सस्ती भी हो और सुलभ आसानी से हो। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अगली है हमारी बाजार की समीपता। निर्मित उत्पादन एवं सेवाओं के पर्याप्त विक्रय के लिए बाजारों की निकटता एवं पर्याप्तता का विशेष महत्व होता है। यदि निर्मित उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की लागत कच्चे माल को परियोजना तक लाने की लागत से अधिक है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि परियोजना को यानी संयंत्र को बाजार के निकट ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा तैयार माल हो गया है उसे बाजार तक पहुंचाने में हमें बहुत ज़्यादा पैसा जाया करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि बाजार के समीप हमें लगाना है या उत्पादन स्थल पर लगाना है। अगला है वित्त एवं साख सुविधाएं। वित्त उद्योग का जीवन रक्त होता है। संयंत्र की स्थापना के लिए उस स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां स्थायी एवं कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापारिक स्थान समीप हो, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं नज़दीक हों और वे आसानी से उनको यानी हमारे संयंत्र को, हमारी परियोजना को आसानी से ऋण दें। तो बैंकिंग सुविधाएं जहां अधिक से अधिक हों, वहां हम उन हमारे संयंत्र को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अगला है पूरक एवं सहायक उद्योगों की उपस्थिति। पूरक एवं सहायक उद्योगों का विकास भी संयंत्र के स्थान निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जहां होजरी, मिठाई या इस्पात के संयंत्र होते हैं, वहां कपड़ा, चीनी और लोहा उद्योग विकसित हो जाते हैं। सहायक उद्योग यानी मरम्मत, उप उत्पाद, अवशिष्ट सामग्री के उपयोग की सुविधा प्रदान कर उत्पादन व्यय को कम करने में सहायक होते हैं। तो हमें स्थान निर्धारित करने से पहले ये देखना होगा कि पूरक और सहायक उद्योग कैसे हैं उस स्थान विशेष पर। अगला है विस्तार सुविधाएं। संयंत्र की स्थापना करते समय विस्तार सुविधाओं को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए भूमि की बनावट, आकार संयंत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वांछित आकार में भूमि उपलब्ध होने पर श्रमिकों के लिए पार्क, मनोरंजन आदि की सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि
कि हमारे पास में जहां हम संयंत्र लगा रहे हैं भविष्य में विस्तार करने के लिए क्या पर्याप्त सुविधा है या नहीं, भूमि है या नहीं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। सुविधाओं की उपलब्धता यानी जो हमारी सेवा सुविधाएं हैं, उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की यंत्रों मशीनों का समय समय पर मरम्मत और सुधार करना है, तो इनके लिए भी हमें सेवा सुविधाओं की उपलब्धता है कि नहीं है, वहाँ पर कुशल कारीगर है कि नहीं, इंजीनियर वहाँ आ सकते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि उस स्थान पर कैसी सेवा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अगला है हमारा गैर लागत घटक। गैर लागत घटक ऐसे घटक हैं जो किसी भी उत्पाद की लाभदायकता को प्रभावित करते हैं, इन पे हमें ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि जलवायु, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु भी संयंत्र के स्थान निर्धारण को प्रभावित करती है। जलवायु का संयंत्र एवं श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। प्रायः नम जलवायु श्रमिकों की कार्य क्षमता के लिए अच्छी मानी जाती है। संयंत्र की स्थापना उस क्षेत्र में की जानी चाहिए जहां जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो और श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाली हो। अगला है व्यक्तिगत अभिरुचि। प्रबंधकों एवं स्वामियों की व्यक्तिगत अभिरुचि भी स्थान निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां प्रबंधक की या प्रवर्तक की इच्छा होती है वह वहीं उस संयंत्र को स्थापित करता है। यानी कुछ प्रवर्तक अपने जन्म स्थान विशेष को महत्व देते हैं, कुछ अपने पैतृक स्थान को विशेष महत्व देते हैं और कुछ अपनी अभिरुचि अनुसार जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, जहां उन्होंने अपने करियर का विकास किया है उसको महत्व देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगला है सामुदायिक सुविधा। संयंत्र के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करते समय आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होता है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक उपासना केंद्र, बाजार, चिकित्सा सुविधा, आवास व्यवस्था और मनोरंजन की सुविधाएं, इनको भी ध्यान में रखना है। यदि ये संयंत्र लगाते समय ये सब सुविधाएं हैं हम वहाँ, तो आसानी से वहाँ पे श्रम उपलब्ध हो पाएगा और श्रम भी अपने मनोरंजन की सुविधाएं देख पाएगा। जहाँ ये सुविधाएं अधिक होती है वहाँ संयंत्र स्थापना का विचार भी बहुत जल्दी कारगर साबित होता है। सरकारी कानून या राजकीय कानून, प्रत्येक देश में राज्य एवं स्थानीय और केंद्र सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की छूटें, सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करती है तथा उद्योगों को हतोत्साहित करने के लिए कठिन कानून जैसे लाइसेंस आदि की व्यवस्था भी करती है। संयंत्र स्थापित करने के लिए यह देखना अनिवार्य है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार उस उद्योग विशेष के लिए क्या सुविधाएं दे रही हैं। यदि ये सुविधाएं सकारात्मक रूप से हैं तो उस स्थान विशेष पर वह संयंत्र स्थापित होगा या वे संयंत्र स्थापित होंगे, और यदि सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो स्थान निर्धारण के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। औद्योगिक वातावरण। औद्योगिक वातावरण को प्रत्यक्ष रूप में मापा जाना संभव नहीं होता, किंतु फिर भी यह अप्रत्यक्ष रूप से संयंत्र स्थापना के निर्णय को प्रभावित करती है। औद्योगिक वातावरण के फलस्वरूप तकनीकी व्यक्ति सुलभ हो सकते हैं और अन्य उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। औद्योगिक वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए साधन खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु वे पहले से ही विद्यमान होती है और इनका हम सरलता से उपयोग कर सकते हैं और ऐसी दशा में संयंत्र को आसानी से वहाँ स्थापित कर सकते हैं।